Hello students good morning Jai Swami Narayan all of you welcome to class 4th in atmiya green school my name is prajakta and i am a math teacher now let's we will start lesson number 11 time so now all of you look at in your textbook so now all of you look at in your textbook we will see first what you had done our last class in this lesson. So we had learned the first recall exercise in the recall exercise now uh, here question number a and b in question number one we are putting the look at the clock face and tell the time here giving the hands in the time so we are writing whatever the timing is there. and here we are here uh, giving the time that time we are putting in the our clocks so these we had learned then after reading time in the exact uh, minute these also we had learned our last class then after we had learned the match the digital watch with a clock this is the digital clock and this is the normal clock so we are matching them then after we had learned the am and pm what is the am and what is the pm am means anti-meridian and pm means post-meridian so when start am and when start pm so uh, am start from night night 12 o'clock from night from night 12 o'clock to morning एलेवन फिफ्टी नाइन जैसे नाइट के ट्वेल्व ओ हो जाते हैं तब स्टार्ट हो जाता है ए एम और सुबह के जैसे एलेवन फिफ्टी हो जाते हैं तब तक होता है ए एम और रात दिन आफ्टरनून के ट्वेल्व ओ से लेकर आफ्टरनून के ट्वेल्व ओ से लेकर नाइट के टू नाइट नाइट के 11:59 फिफ्टी नाइन तक होता है पी एम जैसे ट्वेल्व हो जाता है ए एम स्टार्ट हो जाता है तो नाइट के नाइट में क्या होता है नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक से क्या स्टार्ट होता है ए एम होता है और नाइट के 11:59 फिफ्टी नाइन तक पी एम होता है सो दिस यू हैड लर्न अवर लास्ट क्लास ए एम एंड पी एम एंड और ट्वेल्व ट्वेल्व और नून और ट्वेल्व मिडनाइट को हम ए एम पी एम नहीं लिखते हैं अगर ट्वेल्व ओ क्लाक हो गए तो ट्वेल्व दोपहर के ट्वेल्व ओ क्लाक हो गए तो ट्वेल्व नून बोलते हैं एंड मॉर्न सॉरी नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक हो जाते हैं तो उसको हम मिड नाइट बोलते हैं इसको ए एम एंड पी एम नहीं लगाते हैं डेन आफ्टर एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू दिज आल्सो वी हैड डन आवर लास्ट क्लास डेन आफ्टर वी हैड लर्न द ट्वेंटी फोर क्लॉक्स ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक

तो ट्वेल्व के बाद वन ओ क्लाक को हम थर्टीन बोलते हैं टू ओ क्लाक को फोर्टीन थ्री ओ क्लाक को फिफ्टीन फोर को सिक्सटीन फाइव को सेवनटीन सिक्स को एटीन सेवन को नाइनटीन, एट को ट्वेंटी नाइन को ट्वेंटी वन टेन को ट्वेंटी टू एंड अलेवन को ट्वेंटी थ्रू ऐसे बोलते हैं अगर क्लॉक कौन सी है ट्वेंटी फोर आवर्स को ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मतलब रात के जो ट्वेल्व ओ होते हैं उसको ट्वेंटी फोर आवर्स भी बोल सकते हैं नहीं तो जीरो जीरो भी बोल सकते हैं लेकिन जब हमें टाइम पुट करना पड़ता है मतलब नाइट के ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लाक के नाइट के थर्टी फाइव हो गए नाइट के ट्वेंटी फाइव हो गए ट्वेल्व नाइन ट्वेल्व नाइन्टी फाइव सॉरी ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव हो गए तो उसमें टाइम कैसे दिखाएंगे ज़ीरो जीरो ट्वेंटी फाइव ऐसे हम टाइम दिखाएंगे वहाँ पर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वें ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ाइव ऐसा टाइम दिखा सकते हैं क्या नहीं ये गलत होता है तो वहाँ पे हम टाइम शो करेंगे जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव अगर नाइट के क्या हो गए है नाइट के नाइट के ट्वेल्व नाइट के ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव होता है तब हम जीरो जीरो ऐसे लगाएंगे ठीक है सो जब हमें आ, सपोज हमें दी है कितने ए कन्वर्ट एम पी एम टू ट्वेंटी फोर आवर्स क्लास अगर हमें ट्वेल्व आवर्स वाली क्लॉक दी मतलब and m. ए एम एन पी एम एम एन पी एम कब लगाते हैं जब ट्वेल्व आवर्स की क्लॉक होती है तब एएम एंड पी एम लगाते और ट्वेंटी फोर आवर्स की क्लॉक होती है तब हम ए एम एन पी एम नहीं लगाते जब ट्वेल्व आवर्स की क्लॉक होती है तब एएम एंड पी एम लगा एम एंड पी एम लगाती है और ट्वेंटी फोर आवर्स की क्लॉक होती है उसमें ए एम एंड पी एम नहीं होते जब ए एम एंड पी एम होता है उसमें ट्वेंटी फोर आवर्स में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सुना लू क्या ठीक देखो यहाँ पे आ, दिया है ट्वेल्व मिड नाइट रात के बारह बजे से सुबह के एलेवन ट्वेल्व फिफ्टी नाइन के मिड के ट्वेल्व ओ क्लॉक से लेकर सुबह के ट्वेल्व फिफ्टी नाइन ए एम तक हम क्या करेंगे ट्वेल्व को सब्ट्रैक करेंगे क्या करेंगे ट्वेल्व को सब्ट्रैक करेंगे मतलब देखो नाइट के मिडनाइट है तो ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया है जीरो हो गया 12:35 ट्वेल्व थर्टी फाइव है तो जीरो थर्टी फाइव आवर्स हो गया ठीक है देन वन ओ क्लॉक टू ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टी नाइन पी एम है वन ओ क्लाक से तो नो चेंज इसमें कुछ भी चेंज नहीं होती क्योंकि ये ए एम एंड पी एम के हमें ट्वेंटी फोर आवर्स में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है देन ट्वेल्व ट्वेंटी ए एम इक्वल टू वन ट्वेंटी आवर्स और ट्वेल्व फिफ्टी पी एम इक्वल टू ट्वेल्व थर्टी ए एम ओके देन वन पी एम टू एलेवन फिफ्टी नाइन पी एम है एट द ट्वेल्व आवर्स क्या होता है एट द ट्वेल्व आवर्स आपको बता रही हूँ देखो ए एम एन ट्वेल्व है मतलब ये ट्वेंटी आवर्स वाली क्लॉक है ट्वेंटी आवर्स वाली क्लॉक है ठीक है हमें सॉरी ट्वेल्व आवर्स वाली क्लॉक है अभी ट्वेल्व वाली आवर्स को क्लॉक को हमें कन्वर्ट करना है ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स में जैसे एलेवन ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक तक सेम रहता है ट्वेल्व फिफ्टी नाइन तक सेम ही टाइम रहता है जैसे क्लॉक में वन ओ हो जाएगा तब स्टार्ट होता है थर्टीन तब क्या होता 13 स्टार्ट होता है थर्टीन स्टार्ट होता है ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टी नाइन तक हम क्या यूज़ करेंगे सेम नंबर यूज़ करेंगे लेकिन जैसे वन ओ होता है तब थर्टीन लिखना स्टार्ट करते है. अगर ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लॉक है तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है ट्वेल्व ओ क्लॉक ट्वेल्व आवर्स की क्लाके ट्वेंटी फोर आवर्स के क्लॉक में तो यहाँ पे वन ओ क्लाक से लेकर एलेवन फिफ्टी नाइन मतलब नाइट के एलेवन फिफ्टी नाइन तक अगर हमें टाइम शो करना है ट्वेंटी फोर आवर्स में तो हम क्या करेंगे उसमें ट्वेल्व ऐड कर देंगे फोर फोर्टी फाइव पी एम हो गया है फोर फोर्टी फाइव पी एम हो गया है तो वो हमें टाइम शो करना है ए एम है तो नो चेंज एम है तो नो चेंज सिर्फ पी एम में चेंज होता है देखो यहाँ पे है पीएम जैसे आ गया तो वैसे टाइम चेंज हो गया है ट्वेंटी फोर आवर्स में तो यहाँ पे जैसे ही ए एम हो एम होता है तो कोई फर्क नहीं देखो यहाँ पे ए एम में ए एम सेम ही है सिर्फ पी एम चेंज हो गया है तो यहाँ पे फोर फोर्टी फाइव पी एम है उसको चेंज करना है तो फोर में क्या कर देंगे फोर में ट्वेल्व को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन फोर्टी फाइव और यहाँ पे एलेवन फिफ्टी एलेवन फिफ्टी में ट्वेल्व ऐड कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री फिफ्टी और सेम हो जाएगा इसके अपोजिट होता है ट्वेंटी फोर आवर्स की क्लॉक दी हमें ट्वेंटी फोर आवर्स की क्लॉक दी हमें ट्वेल्व आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे हम आ, सबसे पहले तो लोकेटिट जीरो 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 टू जीरो जीरो फिफ्टी नाइन आवर्स मतलब ये जीरो जीरो मतलब क्या है ट्वेंटी फोर है और ये जीरो जीरो फिफ्टी नाइन मतलब ये कितना हो गया है मतलब ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फोर फिफ्टी नाइन मतलब वन ओ क्लॉक क्या ये वन ओ क्लॉक है ठीक है यहाँ पे दिया लुक एट ठीक है द ट्वेल्व आवर्स ए एम अगर जीरो जीरो फिफ्टी दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे ट्वेल्व को ऐड करेंगे क्योंकि हमें निकालना है ट्वेल्व आवर्स वाली क्लॉक निकालना है तो जीरो जीरो टेन आवर्स एग्जाम्पल दिया है जीरो जीरो टेन आवर्स है तो उसमें हम ट्वेल्व ऐड कर देंगे तो ट्वेल्व टेन ए एम होगा जाएगा टेन जीरो जीरो मतलब ट्वेंटी फोर होता है ठीक है वन जीरो जीरो फोर्टी आवर से जीरो जीरो फोर्टी से मतलब क्या हो जाएगा जीरो जीरो ट्वेंटी फ़ोर से मतलब क्या हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व फोर्टी ए एम क्योंकि उसमें क्या ऐड किया है हमने ट्वेल्व को ऐड किया है जैसे वन ओ हो जाते हैं वन ओ हो जाते हैं तो वन ओ से लेकर एलेवन फिफ्टी नाइन तक देखो अभी यहाँ पे एम पी एम नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लॉक है वन ओ से लेकर एलेवन फिफ्टी नाइन तक नो no चेंज एम अगर ए एम है तो उसमें नहीं चेंज होता है ठीक है तो वो सेम ही रहेगा चेंज कब होता है जब पी एम होता है तब अभी देखो ट्वेल्व ट्वेल्व से लेकर ट्वेल्व फिफ्टी नाइन तक वहां पे भी कोई चेंज नहीं होता है वहां पे सेम पीएम ही आएगा क्या आएगा पीएम आएगा जैसे वन ओ हो जाता है तो थर्टीन एंड ट्वेंटी थ्री फिफ्टी नाइन आवर्स तक क्या होता है चेंज होता है उसमें क्या होता है ट्वेल्व को सब करना पड़ता है क्योंकि हमें 24 है। ट्वेंटी फोर आवर्स में कन्वर्ट करना है जब ट्वेंटी फोर आवर्स में करना है तो सब करेंगे और ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी फोर से ट्वेल्व ओ में करना है तो सब करेंगे और ट्वेल्व uh, आवर्स से ट्वेंटी फोर था हम उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है फोर्टीन फिफ्टी फाइव आवर्स दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है तो उसमें से हम क्या करेंगे ट्वेल्व को सब कर देंगे तो टू फिफ्टी फाइव पी हो गया तो ये कुछ एग्जाम्पल है नाउ लुक एट एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है देखो गिवन द ट्वेल्व आवर्स क्लॉक टाइम फॉर द फॉलोविंग गिवन द ट्वेल्व आवर्स क्लॉक टाइम फॉर फॉलोइंग ठीक है ये जो टाइम दिया है उस ये क्या है ए एम पी एम नहीं लगाया मतलब ये कौन सी क्लॉक है ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लॉक है ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लॉक है उसको कन्वर्ट करना है ट्वेल्व आवर्स में तो हम क्या करेंगे ए एम एंड पी एम लिखेंगे ठीक है यहाँ पे फाइव ट्वेंटी दिया है क्या दिया है फाइव ट्वेंटी दिया है तो फाइव ट्वेंटी है मतलब ये क्या हो गया है ए हो गया, जैसे पी एम होता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है पी जैसे स्टार्ट हो जाता है तब क्या लगता है वहाँ पे थर्टीन से मतलब वन ओ क्लाक हो जाते वैसे क्या स्टार्ट हो जाता है थर्टीन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे दिया भी है देखो जीरो जीरो या फिफ्टी नाइन ऐड या करेंगे वन ओ नाइट की वन ओ से लेकर सुबह के एलेवन एलेवन फिफ्टी नाइन ए एम तक कोई भी चेंज नहीं होगा तो इसमें कैसे लिखेंगे जीरो फाइव ट्वेंटी ए एम क्योंकि यहाँ पे सिंपल ही फाइव ट्वेंटी दी है तो एम आता है जैसे थर्टीन आ जाता है तब टाइमिंग चेंज होता जाता है अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है जीरो जीरो ट्वेंटी थ्री आवर्स है जीरो जीरो ट्वेंटी थ्री आवर्स है जीरो जीरो ट्वेंटी थ्री मतलब ट्वेंटी जीरो जीरो मतलब हम क्या काउंट करेंगे ट्वेंटी फोर काउंट करेंगे ठीक है अभी ट्वेंटी फोर में से ट्वेल्व को सब करेंगे अगर जीरो जीरो दिया है जीरो जीरो दिया है ट्वेंटी फोर आवर्स में सर जीरो जीरो ट्वेंटी फोर आवर्स में दिया है और अभी उसको हमें कन्वर्ट करना है ट्वेल्व आवर्स में तो हम क्या करते हैं ट्वेल्व को ऐड करते हैं और वहाँ पे ए एम लिखते हैं देखो जीरो जीरो से लेकर जीरो जीरो फिफ्टी टाइम फिफ्टी नाइन आवर्स दिया है तो उसमें ऐड करते हैं ट्वेल्व को और वहाँ पे ए एम लिख देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री ए एम यहाँ पे फाइव ट्वेंटी था और एज इट इज़ था तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ एम लिख दिया लेकिन यहाँ पे जीरो जीरो ट्वेंटी थ्री है ये कितने आवर्स की है ट्वेंटी फोर आवर्स की उसको ट्वेल्व आवर्स में करना है तो इसमें ट्वेल्व ऐड कर देंगे अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं जीरो जीरो मतलब ट्वेंटी फोर होता है ट्वेंटी फोर में से ट्वेल्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री ए एम भी आ जाता है अभी देखो जीरो टू आवर्स है जीरो टू आवर्स है तो ये जीरो टू आवर्स है मतलब क्या है जीरो टू लिखा है तो यहाँ पे ए एम आएगा मतलब ये नाइट के है जीरो टू ए एम यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एम आ जाएगा अभी सिक्स ट्वेंटी आवर्स है सिक्स ट्वेंटी आवर्स है तो यहाँ पे सेम सिक्स ट्वेंटी ए एम आ जाएगा तो जहाँ पे नॉर्मल टाइम दिखता है मतलब वन से लेकर एलेवन एलेवन फिफ्टी नाइन तक टाइम दिखता है तो वहाँ पे से सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे और उसको निकाल के ए एम लगा देंगे जैसे थर्टीन स्टार्ट हो जाता है तब तो हमें क्या करना पड़ता है ट्वेल्व को सब करना पड़ता है अभी देखो यहाँ पे ट्वेंटी टू है ट्वेंटी टू है अभी ट्वेंटी टू में से हम टेन को सब कर देंगे ट्वेंटी टू में से टेन को सब करेंगे तो कितना होता है ट्वेंटी टू में से ट्वेल्व को सब करेंगे तो टेन होता है तो टेन और ये ट्वेंटी टू में से हम ट्वेल्व को सब करके फिर यहाँ पे यूज़ कर देंगे पी देखो यहाँ पे दिया है ट्वेंटी टू मतलब क्या आता है टेन पी तो जैसे हमें थर्टीन से नंबर स्टार्ट हो जाता है थर्टीन से नंबर स्टार्ट हो जाता है तब हमें क्या करना पड़ता है ट्वेल्व को तो सब करना पड़ता है एंड उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता है अवर्स को निकल के पीएम लगाना पड़ता है यहाँ पे ट्वेल्व थर्टी एट लिखा है जीरो जीरो अगर होता तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है एड तो टू सब्ट करना पड़ता है यहाँ पे क्या है ट्वेल्व थर्टी एट है तो यहाँ पे पी एम लगेगा यहाँ पे दिया देखो ट्वेल्व ले ट्वेल्व ओ क्लॉक से लेकर ट्वेल्व फिफ्टी नाइन तक क्या लगता है पी एम लगता है एज इट इज़ क्या लगता है पी एम लगता है और यहाँ पे हमने ए एम लिया है तो यहाँ पे क्या पी आएगा पी एम आएगा यहाँ पे क्या था जीरो जीरो है जीरो 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 को निकाल के हम क्या लग करते हैं एम क्योंकि ये नाइट का दिए और ये ट्वेल्व थर्टी एट ये सुबह का है कब पी ए कब थर्टीन स्टार्ट हो जाता है व ट्वेल्व फिफ्टी नाइन को स्टार्ट हो जाता है इसलिए अगर ट्वेल्व और थर्टीन के बीच में जो भी नंबर आता है मतलब ट्वेल्व जीरो वन से लेकर टिफ्टी नाइन तक कोई भी नंबर आता है तब हम यूज करते हैं पी एम तब यूज क्या करते हैं पीएम तो यहाँ पे आ जाता है पी एम नाउ लुक एट हियर चेंज द फॉलोइंग ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक टाइम हमें इसको कन्वर्ट करना है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्लॉक में ठीक है तो uh, जहां पे ए एम होता है वहां पे एज इट इज टाइम आता है सिर्फ ए एम निकाल के वहां पे आवर्स आ जाता है लेकिन जहाँ पे पीएम आता है जहां पे लिख के क्या आता है पीएम आता है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा पीएम जहाँ पे पीएम है वहां पे हमें ट्वेल्व को ऐड करना पड़ता है तो यहाँ पे सिक्स थर्टी पीएम है यहाँ पे क्या है सिक्स थर्टी पीएम है तो मैंने अभी बोला था कि जहाँ पे पीएम आता है उसमें हमें ट्वेल्व को ऐड करना पड़ता है तो सिक्स में ट्वेल्व ऐड करेंगे तो कितना होता है एटीन थर्टी और यहाँ पे पीएम निकाल क्या किया मैंने सिक्सटीन है सिक्सटीन में ट्वेल्व को ऐड कर दिया है जब पी एम होता है तभी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं ए एम रहेगा तो हम एज इट इज रखते हैं सिक्स में ट्वेल्व को ऐड किया है तो क्या हो गया है एटीन हो गया है एटीन पी एम यहाँ पे देखो अगर सिक्स ओ क्लॉक है तो एटीन होता है और यहाँ पे थर्टी दिया है तो एटीन थर्टीन आवर्स हो गया देन सेकंड नंबर में क्या है टेन फिफ्टी ए एम है मैंने अभी बताया कि ए एम रहेगा तो हम एज इट इज ही लिखेंगे तो यहाँ पे टेन फिफ्टी ए एम को निकाल के सिर्फ यहाँ पे अवर्स लगा देंगे ठीक है अभी ट्वेल्व नून है ट्वेल्व नून है तो ट्वेल्व को हम क्या लिखेंगे ट्वेल्व ही लिखेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व अगर ट्वेल्व है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे ट्वेल्व नाइट होता मिड नाइट होता क्या होता मिड नाइट होता तो वहाँ ट्वेल पे ट्वेल्व की जगह पे यहाँ पे जीरो जीरो आ जाता लेकिन यहाँ पे ट्वेल्व नून है तो यहाँ पे ट्वेल्व ही आएगा और ट्वेल्व जब हम लिखते हैं ट्वेल्व को तब हम ए एम पी एम कुछ नहीं लिखते तो ये सिर्फ ए एम यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा ट्वेल्व ही आएगा अभी यहाँ पे फाइव टेन पी एम है तो जब पी एम होता है तब हम क्या करते हैं उसमें ट्वेल्व को ऐड करते फाइव में ट्वेल्व को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेवेंटी टेन और यहाँ पे क्या आ जाएगा पवर्स ठीक है अभी एग्जाम्पल नंबर फाइव एंड सिर्फ से होमवर्क है ठीक है यहाँ पे ए एम है यहाँ पे भी ए एम है तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ एज इट इज वैसे ही क्या वैसा टाइम लिखना है आपको तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कंप्लीट द टेबल यहाँ पे ट्वेल ट्वेल्व आवर्स वाले टाइम दिया है और यहाँ पे ट्वेंटी फोर वाले दिया नाइट के मिड नाइट को हम ट्वेंटी फोर आवर्स अदरवाइज जीरो जीरो बोलते हैं ठीक है यहाँ पे नाइन फोर्टी आवर्स दिया है नाइन फोर्टी आवर्स दिया है तो जैसे नाइन फोर्टी है मिड नाइट से मिड नाइट है उसके बाद नाइन फोर्टी है तो यहाँ पे नाइन फोर्टी है तो टाइम क्या आएगा अगर वहां पे थर्टीन से स्टार्ट हो जाता है तो पीएम लगता है लेकिन नाइन फोर्टी दिया है तो यहाँ पे नाइन फोर्टी ए एम आ जाएगा अब यहाँ पे क्या है जीरो जीरो फोर्टी है जीरो जीरो फोर्टी दिया है तो जीरो जीरो मतलब क्या होता है नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक एंड फोर्टी नाइट के नाइट, के ओ, नाइट ट्वेल्व ओ क्लॉक मतलब हम क्या यूज करते हैं ए एम नाइट के ट्वेल्व ओ क्लॉक से क्या स्टार्ट हो जाता है ए एम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व फोर्टी ए एम नाउ लुक एट हियर यहाँ पे क्या है वन फिफ्टी ए एम वन फिफ्टी ए एम जब ए एम होता है तब हम क्या करते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन फिफ्टी आवर्स क्या हो जाएगा वन फिफ्टी वन फिफ्टी अवर्स हो जाएगा वन ए एम है तो ए एम है तो कुछ भी चेंज नहीं होता अगर ए एम के जगह पे पीएम होता तो वहां पे थर्टीन आ जाता है तो यहाँ पे देखो ए एम है तो यहाँ पे एज इट इज वन अवर्स हो जाता ठीक है देन नेक्स्ट इज द एलेवन थर्टी पीएम दिया है देखो एलेवन थर्टी पी एम अभी यहाँ पे क्या गया? पी आ गया है पीएम आ गया है ठीक है तो पीएम है लेकिन लेकिन क्या है जब कितने बजते हैं जब हमारे क्लॉक में वन ओ क्लाक स्टार्ट हो जाता है तभी हम क्या यूज करते हैं जब वन ओ क्लाक यूज यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है पीएम है ठीक है तो पीएम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ट्वेल्व को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री यहाँ पे क्या है पीएम है अगर ए एम होता तो कुछ चेंजेस नहीं होती यहाँ पे पीएम है तो जब पी होता है तब हम क्या करते हैं जो भी आवर्स में टाइम है उसमें क्या करते हैं ट्वेल्व को ऐड कर देते हैं तो इसमें हमने ट्वेल्व को ऐड किया तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थर्टी आवर्स आ गया अभी एटीन आवर्स है एटीन आवर्स है ये ट्वेंटी फोर में है जब ट्वेंटी फोर को ट्वेल्व में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं ट्वेल्व को सब करते हैं तो आ, एटीन में से ट्वेल्व को सब करेंगे तो कितना आता है सिक्स आता है तो यहाँ पे 6, 6 और पी एम सब्ट्रैक करने के बाद हम क्या लिखते हैं PM को लिख देते हैं देन नाउ एट नाइन एंड टेन ये आपको होमवर्क है एट एंड टेन ये आपको होमवर्क है एट हियर conversions of time you um, may have noticed that many clock have a third hand in the addition to the hours and minute hand the third hand move faster and is known as the second hand किसी किसी क्लॉक में थ्री हैंड्स रहते हैं ठीक है अगर तीसरा हैंड नहीं है फिर भी वो घूमता ही रहता है ठीक है तो थर्ड हैंड होता है सेकंड का ये स्मॉल वाला जो हैंड होता है वो होता है आवर्स वाला उससे बड़ा होता है वो मिनट वाला और ये जो जो होता है तीसरा वाला हैंड ये होता है सेकंड वो क्या होता है सेकंड होता है तो ये जो सेकंड का ये जो सेकंड वाला हैंड है वो अगर वन राउंड को कंप्लीट करता है तो क्या होता है वन मिनट होता है क्या होता है वन मिनट होता है और ये जो मिनट वाला हैंड है ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है तो क्या होता है वन आवर्स होता है द सेकंड हैंड टेक अ वन मिनट टू गो अ राउंड ऑफ क्लॉक फेस वंस जब उसका वन राउंड कंप्लीट होता है तो क्या होता है वन मिनट्स होता है सेकंड का वन राउंड होता है द टाइम टेकन द सेकंड हैंड टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल द सेकंड उसको क्या बोलते हैं सेकंड बोलते हैं देर आर द सिक्सटी सेकंड इन द इन अ मिनट वन मिनट मतलब कितना सेकंड होता है सिक्सटी सेकेंड होता है वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड सो टू कन्वर्ट द आवर्स टू मिनट जब आवर्स दिया है मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सिक्सटी और हमें मिनट दिया है आवर्स में कन्वर्ट करना है क्या दिया है मिनट दिया है आवर्स में कन्वर्ट करना है तब करते हैं डिवीज़न अपोजिट आवर्स क्या है मिनट से बड़ा है तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं और बड़ा बड़ा दिया है छोटे में कन्वर्ट करना है तब डिवीजन करते कन्वर्ट द मिनिट टू आवर्स छोटा दिया है बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन करेंगे और छोटा छोटा दिया है बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम कन्वर्ट मिनट टू सेकंड मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू कन्वर्ट सेकंड टू मिनट सेकंड का मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे यहाँ पे एग्जांपल दिया है नाउ एट एग्जांपल नंबर वन राजू टेक टू मिनिट थर्टी सेकंड टू स्विम हंड्रेड मीटर्स हाउ मेनी सेकंड इज दैट राजू क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है स्विम कर रहा है हंड्रेड मीटर का उसको टाइम लग रहा है टू मिनिट थर्टी सेकंड तो हमें निकालना है कितना सेकंड लगा है तो ये थर्टी ऑलरेडी सेकंड में है अभी जो टू मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें पता है कि वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड होता है तो टू मिनट इक्वल टू टू इंटू सिक्सटी सेकंड टू को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वन हंड्रेड ट्वेंटी सेकंड तो यहाँ पे क्या आएगा 120 हंड्रेड सेकंड आएगा 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया अभी 250 को 30 के साथ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 सेकंड आ गया कितना आ गया 250 सेकंड आ गया हमने क्या किया है यहाँ पे ऐड कर दिया है दोनों को देन एग्जाम्पल नंबर टू नी नीना टेक्स टू आवर्स थर्टी फाइव मिनिट टू फिनिश हर होमवर्क नीना टेक अ 2 आवर्स थर्टी फाइव मिनट टू फिनिश हर होमवर्क हाउ मीन हाउ मेनी मिनट्स इज दैट हमें निकालना है कि उसको कितने मिनट्स लगे हैं तो थर्टी फाइव ऑलरेडी मिनट्स में ये जो टू आवर्स है उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि वन वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स होता है तो हम क्या करेंगे मिनट्स uh, में कन्वर्ट करने के लिए टू को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू सिक्सटी कितना होता है वन हंड्रेड फिफ्टी होता है अभी टू अर्स थर्टी फाइव मिनट्स है टू हंड्रेड फिफ्टी में सॉरी टू हंड्रेड ट्वेंटी में थर्टी फाइव को ऐड करेंगे तो कितना होता है वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिनट्स तो उसको पूरा होमवर्क करने के लिए कितना मिनट्स लग रहा है वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव लग रहा है नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री में कह कन्वर्ट 400 हंड्रेड फोर हंड्रेड द आवर्स एंड मिनट देखो यहाँ पे मिनट दिया है यहाँ पे हमें आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 60 मिनट इक्वल टू वन आवर्स होता है 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स इक्वल टू वन आवर्स होता है तो हम क्या करेंगे 450 मिनट्स को 60 के साथ डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन होता है वो हो जाता है आवर्स एंड जो भी रिमाइंडर बचता है वो हो जाता है मिनट्स जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाता है आवर्स एंड जो भी रिमाइंडर बचता है वो हो जाता है मिनट तो 450 हंड्रेड uh, को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है सेवन क्वेश्चन uh, आता है एंड थर्टी रिमाइंडर आता है तो सेवन हमारा आवर्स हो गया और थर्टी मिनट्स हो गया यहाँ पे मिनट दिया था उसको आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना था पहले एग्जाम्पल में क्या था मिनट्स uh, uh, दिया था मिनट्स एंड आवर्स दिया था टू मिनट्स यहाँ पे टू आवर्स थर्टी फाइव दिया था तो हमें क्या करना था मिनट में कन्वर्ट करना था सिर्फ मिनट में करना था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया था और यहाँ पे क्या दिया है मिनट दिया है मिनट को अवर सैन मिनट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हम सिक्सटी के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है सेवन आवर्स थर्टी मिनट इसका आंसर आता है दाऊँ कन्वर्ट फोर हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड्स टू मिनट 450 सेकंड्स दिया है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो सेम यहाँ पे क्या है वन हमें पता है कि वन मिनिट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड होता है तो 450 सेकंड इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 60 मिनट यहाँ पे 60 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 450 को जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आता है सेवन एंड रिमाइंडर आ जाएगा थर्टी यहाँ पे भी सेम ही सेम ही एग्जाम्पल है और क्वेश्चन आ जाता है थर्टी तो यहाँ पे कितने मिनट हो जाएंगे सेवन मिनट थर्टी सेकंड इसका आंसर कितना आता है सेवन अवर्स सॉरी सेवन मिनट्स थर्टी सेकंड इसका आंसर कितना आ गया है सेवन मिनट थर्टी सेकंड आ गया सेम है यहाँ पे अवर सेवन मिनट है और यहाँ पे मिनट्स एंड सेकंड है

टू हंड्रेड टाइम सो उसको कितना सेकंड लगा है वो निकालना है तो ये थर्टी फाइव ऑलरेडी किस में है सेकंड है अभी ये जो थ्री मिनट है उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में सो ना ऑल ऑफ यू लुक एट एग्जांपल नंबर वन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिख देंगे कि आ, थ्री मिनिट्स थर्टी फाइव सेकेंड टू स्कीप टू हंड्रेड टाइम्स ओके तो थ्री मिनट थर्टी फाइव सेकंड लग रहा है टू स्कीप और टू हंड्रेड टाइम्स अभी थर्टी फाइव ऑलरेडी सेकंड में अभी थ्री मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में तो हमें क्या करेंगे हमें पता है कि वन मिनट्स इक्वल टू सिक्सटी सेकंड होता है ठीक है अभी हम क्या करेंगे ये जो थ्री मिनट्स है उसको कन्वर्ट करेंगे सिक्सटी में तो क्या करेंगे थ्री मिनट्स है इक्वल टू थ्री इंटू सिक्सटी सेकेंड तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 हंड्रेड एट्टी सेकेंड्स थ्री को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 180 हंड्रेड एट्टी सेकंड आ गया अभी 180 हंड्रेड एट्टी सेकंड को हम थर्टी फाइव सेकंड में ऐड करेंगे यहाँ पे लिख देंगे थ्री मिनट्स थर्टी फाइव सेकेंड इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी प्लस थर्टी फाइव सेकेंड दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आता है फाइव देन एट एट हंड्रेड इलेवन टू हंड्रेड फिफ्टीन सेकेंड तो जो हेमा है उसको कितना कितना टाइम लग रहा है हेना टेक्स फॉर अस्की टेक्स फॉर अस्की फॉर अ टू हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड उसको कितना सेकंड लग रहा है टू हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड्स लग रहा है स्कीप करने के लिए ठीक है तो ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर देन क्वेश्चन नंबर टू वे कैट द टेबल शो द टाइम टेक द थ्री बॉयज टू सॉल्व द क्रॉसिंग पर्जल हु टूक अ लॉन्गेस्ट टाइम हु वॉज अ क्विज टेस्ट ठीक है तो इसमें किसको ज्यादा टाइम लग रहा है एंड हु इज द क्वीज टेस्ट So um, uh, question number two, these we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.